छत्तीसगढ़ भी शामिल है तो हमार संख्या 71 हो गया। आज 71 की विधानसभा है। केंद्र सरकार बहुत अड़ंगा लगा इस, वो हर बात में अड़ंगा लगाते, कैसे छत्तीसगढ़ के जनता ल परेशान करन, किसान ल परेशान करन, मजदूर ल परेशान करन, आदिवासी और महिला मल्ला नौजवान ल परेशान करन, वो मन तय करके रखे। एक ताजा बात बताओ तो मैं विधानसभा में रमन सिंह की इस मैं 2 साल के बोनस दू कह रहे हैं तिल नहीं दे पाए और ते घोषणा पत्र में शामिल करे वो दू की के वो कब देवे, मेरे डॉक्टर तो लाश तक नहीं लगाए। ते घोषणा कर, ते वादा कर, अव्वल नहीं करे तिल मैं पूरा करूं। मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री कहे कि बोनस देना ते बंद करे, जब ले डबल इंजन की सरकार बने हैं, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से बोनस मिलना बंद हो। नहीं तो मनमोहन सिंह के समय में भी किसान मतलब सूता करो, उस समय 50 रुपया 100 रुपया प्रति क्विंटल के बोनस दे रही थी राज्य सरकार, तो दे रही से मनमोहन सिंह भी बोनस दे रही से दे रही ना। ये जब ले आया है दाढ़ी वाला तब ले बंद है, न खुद दे न दूसरला देन देवा है। मैं कहे ते हाँ अनुमति भर दे दे तो उसे पैसा उसे नहीं मांगा था मैं, जेन दिन अनुमति आई मैं आप कहना चाहता हूं वही दिन किसान के खाता में 2 साल रमन सिंह नहीं दे तीनों पैसा किसान के खाता में जाए। आवाज पर अपन हिस्सा नहीं देवा थे राहुल जी, 7.5 लाख गरीब के घर आवास बनाया बार उनका पहली किस्त पैसा पहुंच गया। प्रियंका जी कहां के राइस वो दिन घोषणा करी कि हमार सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी, केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। एक तरफ वो मन है जे मन हमला काम नहीं करन दे, दूसर तरफ प्राकृतिक आपदा भी आते, वैश्विक महामारी कोरोना काल, वो समय तनख्वाह बांटना मुश्किल रहा, सबके तनख्वाह 30% कटौती कर दे रही से। ये फूलो देवी नेताओं हमारे राज्यसभा सदस्य है, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सदस्य है, एकर मन के 2 साल तक के सांसद निधि पैसा चलन नहीं दी मोदी जी, 5-5 करोड़ रुपए मिला दी तेरों बंद कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार न विधायक निधि बंद करी न काकरो तनखल बंद करी कटौती करी, बल्कि किसान से जिन वादा कर रही राहुल गांधी जी कि 2500 खरीदबो, मोदी जी तो मना कर दे रही से समर्थन मूल्य 1 रुपये कहूं ज्यादा देवे तो फिर तो सहायता मिलते केंद्र से मिलना बंद, तो चाउर खरीदते तेल बंद कर दे वो और सही बंद कर दी से 1 साल। 24 जो कमेटी के अध्यक्ष रही से वो समय हम धान ला 1900 खरीदे और 1300-1400 रुपए बाजार में बेचे रहे, लेकिन किसान ला घाटा नहीं होने देना। राहुल जी कह रही से कि किसान ला पैसा देना 2500, तो इस संकट में भी वैश्विक महामारी में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, किसान के साथ खड़े रहें और ये 4 किस्त में पैसा दें। और जाल बांध हम आज कार्यक्रम रखे के पीछे उद्देश्य, जब मैं खैरागढ़ उपचुनाव आ रहे तैयारी देखे पर तो जाल बांधा सोसाइटी में गए, एक जन पढ़े लिखे नौजवान लड़का रही MBA पढ़े रही, वो कहते थे 1 किस्त में दूं कह रहे 4 किस्त कावर दे थस, तो एक जन सियानी खड़े रहे अरे तुहर राज में तो देवो के रे तेलो नहीं दे, ये कम से 4 किस्त दे तो है, देवत तो है तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान लग भरोसा इस कांग्रेस के ऊपर। दूसरा बात वो लड़का में कहते पढ़े लिखे एक राजीव जी की शहादत दिवस 21 मई हम पहली किस्त दे थे, राजीव जी की जयंती 20 अगस्त दूसरा किस्त दे थे,
तीसरा किस राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के देते हैं और वित्तीय वर्ष समाप्त होते थे 31 मार्च के पीछे चौथा किस्त देते हैं। मैं कहे 21 मई 20 अगस्त 1 नवंबर के पैसा मत निकालबे, एक संग्रह 31 मार्च के पैसा निकालबे, एक किस्त हो जी बाबू। हर परिस्थिति में बताया का मतलब ये है, वो समय कोरोना महामारी से कैसे परिवार चलाबो, तब हमारे सरकार कांग्रेस की सरकार सबके घर में 3 महीने का राशन ले एक संग्रह भिजवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं नहीं भिजवा रहे मिले रही थी नहीं। वो समय मनरेगा शुरू करें जिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी शुरू करें, मनरेगा शुरू करें 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत। वो समय दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, परिवहन बंद, वो समय आमा इमली और तेंदू पत्ता तोड़े के सीजन रही से, महुआ के सीजन रही से और खरीदे की व्यवस्था करें, गरीब आदमी के इनकम खत्म नहीं होना चाहिए वो प्रयास। और किसान मतलब पहले के 1500 करोड़ रुपए तुम्हारे खाता में डाले काम न कर रहे, आज वो निरंतर चला थे राहुल जी 2500 के रही से, ये साल तो 2640 और 2660 रुपए पड़े और अभी धान बेचो तेरे समझ लो कतका पढ़ी तेरा। बोले जरूरत है, सबला विश्वास है, भरोसा है कांग्रेस के ऊपर, भरोसा है ना? हाँ काका अभी जिंदा है बाबू, हाँ आपके पास, हम तो 75 के हैं, तुम तो 80 को दिल लगा था। अच्छा 5 बोनस में दे था, मैं आप सब ल प्रणाम कर रहा था। वो 75 जन पार के अंदर 75 नंबर सीट रही ना, राजनांदगांव शामिल है ना, मगर मतलब नांदगांव जिला में केवल नांदगांव भर भाजपा के हाथ में रही से, खैरागढ़ तो उपचुनाव जीत ले रहे हैं, एक ठक करगर इस उन निकाल के फेंक रहे हैं ना, तैयार हो। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी वाला मल्ला सांप सूंघे है, एक ठक तो घोषणा करती थी कि हमार सरकार आई तो किसान बर मजदूर बर गरीब बर महिला बर यदि काम करबो, एक ठक नहीं करे। हमार सरकार है, हम लगातार 5 साल काम करें और गिनाहो बहुत लंबा लगी, वो बात मैं नहीं बोलना चाहूं, लेकिन फिर भी हमारे नेता राहुल जी आयरी से, प्रियंका जी आयरी से, खड़गे साहब आई, ये मैं लगातार हमारे सरकार बनाओ तो हमने ये काम करबो, मैं वो लिस्ट गिना देता हूं। पहली बात तो हमने फैसला करें 15 क्विंटल के जगह 20 क्विंटल खरीदी, आज 30 तारीख है, परम दिन धान खरीदी शुरू हुई और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेचू तुम्हारा। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हमन फैसला करें, का फैसला करें कि किसान मन के फिर से ऋण माफी होई, बोले ना तो भाजपा वाले उकर मन के पेट में पीरा होते काबर ऋण माफी कर सकते हैं। मैं कहें उद्योगपति मन के बड़े बड़े अडानी उकर संगवारी मन के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं तब कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार है यदि 9000 करोड़ रुपए माफ कर दी तुम्हारे पेट में पीड़ा हुआ थे, फिर से किसान मन के कर्जा माफ कर वो करना है कि नहीं करना है, मजा नहीं आवा थे, कर्जा माफ होना करना है ना, हाँ कर्जा माफ तब हुई जब सरकार बनी, हाँ भरोसा है। एक ठकाऊ बात तकनीकी बात आप मन लगा दे, हाँ कांवर के 1 नवंबर के धान खरीदी हुई, परम दिन से धान खरीदी हुई तो तुम जो लोन ले हो तेन पहली कट ही बैंक में, कांवर के सरकार के फैसला 20 क्विंटल खरीदे के लोन ले हो तब समझ लो वो लोन है चुनाव तक जब बेचू तब तक के कटी, जिन सरकार बनी पहली फैसला रही किसान मन के कर्जा माफी और जिन समायोजित हो रही वो पैसा वापस करवो, तो कर चिंता तुम्हारा नहीं करना है। हाँ ये मन भाजपा वाला उन पर गला ही थे, पहले में बता दे अगहू
पिछले समय याद करो 1200 करोड़ रुपया किसान मन धान बेटरी से नवंबर महीना में सरकार बनी 17 दिसंबर के तो केस हम तो धान ल बेटरी का कर्जा में पार दे वो पैसा ल 1200 करोड़ रुपया किसान मन के वापस कर दे रहे हो रिस नहीं हो रही है। तो यू बात कोनो किसान ल चिंता करे जरूरत नहीं है, आराम से धान ल बेचो तुम ना। कांग्रेस के फिर सरकार बनी वो जिन पैसा बैंक के खाता में तुम्हारे समायोजित हो रही वो पैसा फिर से वापस किसान के खाता में हुई कर्जा माफ के हमारा फैसला। दूसरा बात, प्रियंका जी घोषणा करी थी 17.5 लाख परिवार ला आवाज देबो। तीसरा, तेंदू पत्ता जन संग्राहक है वो मतलब 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हमन खरीदी करथन वो परिवार ला साल में एक बार वो तेंदू पत्ता पैसा पावे करी 4000 रुपए और देबो गरीब मन के खाता में डालबो। जेन ये महुआ है, इमली है, अमचूर है एकर मन के समर्थन मूल्य में 10 रुपया वृद्धि करबो। और जिन डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है पहले 5 लाख रुपया रही से अब वह 10 लाख रुपया हुई, 10 लाख तक के फ्री में इलाज हुई और विशेष सहायता मुख्यमंत्री विशेष सहायता में तो 25 लाख तक के। और एक साथ साथ हमरो गरीब घर के लड़का मन किसान घर के लड़का मन शहर में गांव में रही थे लेकिन काकरो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जैसे फीस अतेक रही थे उन भर नहीं पाए लड़का मन पढ़ नहीं सका है। और वो दिन राहुल जी घोषणा करीस कि चाहे वो डिप्लोमा करे आईटीआई करे चाहे इंजीनियरिंग करे चाहे वो मेडिकल कॉलेज पढ़े जब का शासकीय कॉलेज है ते सब फीस माफ हुई, ट्यूशन फीस एडमिशन फीस सब माफ, मतलब KG to PG फ्री में शिक्षा पूरा देश में पहला, पूरा देश में पहला कोई सरकार ऐसा नहीं करे। लेकिन हमारे सरकार बनी तो लड़का मन पढ़ाई में एक पैसा नहीं लगा। और जे कल राहुल गांधी जी राजनांदगांव आये रही होकर पहली अभनपुर विधानसभा में मजदूर मन का सब बैठे रही थे वो खुद धान लुए है हम मल्ला ताम्रा दस भैया पिया सिंह देव चरण भैया सब ला धान लुआ है। ओकर बाद बैठे नोकर मजदूर साथी मर रही थे भूमि श्रमिक मर रही थे वो मल्ला केस के 7000 करवाए बहुत अच्छा है लेकिन थोड़े दिन बढ़ा देते उमन किस कद का बढ़ाना है राहुल जी पूछ कद का बढ़ाना है 10000 कर दे तो हम खुश हो जाओ। तो राहुल जी राजनांदगांव में अब पहली घोषणा करे कि जिन भूमि श्रमिक है देश में पहली योजना है कोनो भूमि मतलब श्रमिक मतलब पैसा नहीं मिला है छत्तीसगढ़ सरकार 7000 दे रही से अब वो हमारे सरकार है तेरे 10000 रुपया सालाना दिया तो अब का कन घोषणा कट रहे हैं। और घोषणा करवाना है कि नहीं करवाना है, करवाना है ना, भरोसा है ना, हम जन किसान तेन हो ही ना और भाजपा किसे तेन पक्का हाँ तो एक आमक दू गोहित तोर कहल का हुई ओकर मन के वहीते चलते। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहते हुए मैं सीधा प्रियंका जी बला हूं तुम जोरदार ताली बजाओ भाई।